नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आज देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण किया। इस तस्वीर को भारत के अन्य 87 जगहों से दिखाया जा रहा था, टीवी के माध्यम से, वेबकास्टिंग के माध्यम से, जहां से शंकराचार्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, उन जगहों पर वेबकास्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अपने गृह जिले समस्तीपुर पहुंचे, जहां नित्यानंद राय ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज विवेकानंद की भविष्यवाणी सही हो रही है। जब विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि भारत देश में 21वीं सदी में कोई भी भूखा नंगा नहीं होगा, तो आज कहीं ना कहीं विवेकानंद की जो भविष्यवाणी है वो सही होती हुई दिखाई दे रही है। इस खास अवसर पर नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके अंदर का ज्ञान और मस्तिष्क का विज्ञान और हृदय में भारत की संस्कृति की विरासत, यह भारत को विश्वगुरु बनाएगा। आज आदि शंकराचार्य के उस प्रतिमा जिसका आज पुनर्धार हुआ है, शंकराचार्य जी जो जिन्होंने एकात्म भारत के लिए, सांस्कृतिक भारत के लिए, अखंड भारत के लिए इतनी लंबी यात्रा की थी, जिसका आज व्याख्यान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए हैं, जिस प्रकार से शंकराचार्य की सोच थी एकात्म भारत बनाने की, उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है एकात्म भारत और विकसित भारत बनाने का। प्रकृति के प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति श्रद्धा और अंदर गरीबों के लिए प्रेम, यह प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। आज इस युग के उनको जो कह दे, आज प्रधानमंत्री जी को संत महात्मा कहे, आज प्रधानमंत्री जी को गरीबों का मसीहा कहे, आज प्रधानमंत्री जी को विकास का भगीरथ कहे, आज एकात्म भारत के पुरोधा कहे, शक्तिमान भारत के आज एक ऊंचा व्यक्तित्व कहे, जो दुनिया भर में आज यश प्राप्त कर रहे हैं, निश्चित रूप से विवेकानंद की वह भविष्यवाणी जो भारत के विषय में किए थे कि 21वीं सदी के भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई नंगा होगा, न कोई बेबस होगा, न कोई अशिक्षित होगा, और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर खड़ा होकर भारत माता दुनिया को अपने ज्ञान और बंधुत्व के प्रकाश पुंज से प्रकाशित करेगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। आज 21वीं सदी भी है और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र और आज के प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र, एक विवेकानंद बचपन के नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को आज दूसरा नरेंद्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज केदारनाथ क्षेत्र के विकास का मतलब है कि आज हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को एक बड़ा तोहफा मिलना और उसकी सारी संस्कारों को आज एक तरह से पूरे विश्व में फैलाने का उन्होंने जो आज कार्यक्रम किया है, संदेश दिया है। हम उजियारपुर की ओर से, बिहार वासियों की ओर से, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं।